आज का एजेंडा में इस वक्त की बड़ी खबर, क्या कोर्ट में पेश होंगे सोनिया और राहुल? नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेशी से फौरी तौर पर राहत मिलती दिख रही है। पेशी से छूट की जुड़ी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पटियाला हाउस कोर्ट में भी राहुल और सोनिया की पेशी आज है, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद तय होगा कि सोनिया और राहुल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना है या नहीं। इसलिए फौरी तौर पर सोनिया और राहुल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी से राहत मिलती दिख रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में सोनिया और राहुल गांधी की पेशी पर आखिरी फैसला होगा, लेकिन सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सोनिया और राहुल को कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि पूरा केस राजनीति के बदले की भावना से प्रेरित है। उनको निश्चित तौर पर हाजिर होना पड़ेगा, नहीं तो इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं, जैसे वारंट जारी भी हो सकती है। और इनमें से ऐसे लोग हैं जैसे सैम पिट्रोडा, उनको तो विदेशी पासपोर्ट है, और राहुल के बारे भी कुछ ठीक पता नहीं है कि विदेशी पासपोर्ट है कि नहीं। अभी तक उनकी जो दी हुई जानकारी है, जिसको आज वो इनकार कर रहे हैं, पर सबूत नहीं दिया है कि ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों के लिए कानून के सामने तो सब बराबर हैं, तो ये अपराधी हैं, आरोपी हैं, अपराधी नहीं है, आरोपी हैं, और आरोपी होने के कारण ये देश को छोड़कर भाग सकते हैं, इसीलिए वारंट जारी हो सकती है, तो इसके परिणाम बुरे होंगे। तो मेरी राय है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने के कारण उनको उपस्थित होना चाहिए, और कोर्ट को अपना यानी दिल में उसके लिए मर्यादा है ये उसको सिद्ध करना चाहिए। ये एक राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वारा कंप्लेनेंट बनकर, जो कि एक सत्तारूढ़ पार्टी के मेन केंद्रीय समिति के मेंबर हैं, उनके द्वारा किया गया प्रतिशोध की भावना से केस है। इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। हम अपने कानूनी और बाकी सभी वैचारिक तथ्यों के आधार पर मजबूत हैं, और हम उसको बुलंदी के साथ उस हर कोर्ट और फोरम में रखेंगे जो कानून के अंदर कर हमें अवेलेबल है। और अब आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा विवाद है क्या। 23 नवंबर 2010 को गांधी परिवार के करीबियों ने यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई। यंग इंडिया में सोनिया गांधी के 38 और राहुल गांधी के 38% शेयर थे। कुल 76% हिस्सा सोनिया और राहुल के खाते में आया। 24% शेयर सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल बोरा के हैं। यंग इंडियन कंपनी की पेजअप कैपिटल सिर्फ 5 लाख रुपए थी। यंग इंडियन कंपनी ने AJL का अधिग्रहण करने का फैसला किया। AJL पर उस वक्त करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। यंग इंडियन कंपनी ने अधिग्रहण के बदले देनदारी उतारने की जिम्मेदारी ली। यंग इंडिया के बोर्ड ने AJL के अधिग्रहण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। AJL के चेयरमैन से बातचीत के लिए मोतीलाल बोरा को जिम्मेदारी दी गई। AJL के चेयरमैन खुद मोतीलाल बोरा ही थे। कांग्रेस ने AJL को 90 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का कर्ज दे दिया। उस वक्त कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी मोतीलाल बोरा ही थे। नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, नेशनल हेराल्ड की स्थापना कैसे हुई, यह भी हम आपको बताते हैं। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के पैसे से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड कंपनी बनाई। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम के अखबार निकालती थी। आजादी के बाद AJL को देश भर में काफी जमीनें और सस्ती दर पर लोन मिला। नेशनल हेराल्ड के शुरुआती संपादक जवाहरलाल नेहरू खुद थे। प्रधानमंत्री बनने तक नेहरू हेराल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन थे। कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन जाने की वजह से नेशनल हेराल्ड का प्रसार नहीं बढ़ा। साल 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया। उस वक्त एसोसिएटेड जर्नल पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था।
एजेएल की देश भर में 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कितनी राहत राहुल और सोनिया को मिली है, और साथ ही कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि दरअसल गांधी परिवार से जुड़ाव ही इसलिए है क्योंकि जिस तरीके की ये पूरी संपत्तियां हैं, इसका चूंकि अधिकार उस परिवार के पास है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी अगर पैसे के लिहाज से कहीं टिकी है तो उसी परिवार के इर्द गिर्द। जी बिल्कुल शेखर, सही बात कही आपने, लोग इसी तरह की बात कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं आज की आपको बात बताऊं कि जो पटियाला हाउस कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी होनी थी सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की, तो सोनिया गांधी तो विदेश में है, वो इसलिए नहीं आ सकती, और राहुल गांधी पौंडिचेरी चले गए हैं तो उनका आना भी बिल्कुल असंभव यहाँ पर नजर आता है। लेकिन जो दोनों ही पक्षों के कानूनी सलाहकार हैं, जो वकील हैं, वो कोर्ट में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस यहाँ पर आज जो केस में होना है वो फ्रेश डेट कहीं ना कहीं लेंगे और उसके बाद आगे की जो भूमिका है वो तय होगी। जो इस मामले में याचिकाकर्ता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने तमाम तरह के तर्क कोर्ट के अंदर रखे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जिस तरह से कंपनी के शेयर ट्रांसफर हुए यंग इंडिया कंपनी को, वो पूरी तरह से इलीगल पूरा मामला था। इसके अलावा जो करोड़ों रुपए लिए गए बिना ब्याज के, ये अपने आप में कहीं ना कहीं सोनिया और राहुल गांधी की भूमिका को तय करता है कि कहीं ना कहीं उनकी इस मामले में कुछ ना कुछ नीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से इसमें पूरा एक बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है। फिलहाल कोर्ट में आज मांग यहाँ पर की जाएगी कि अगर आज के हम शेखर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में अभी मेरी कुछ देर पहले वकीलों से बात हुई थी, जो कांग्रेस के वकील हैं, उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर वो आज फ्रेश डेट मांगेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये लोग चैलेंज करेंगे कि ताकि जो उनकी व्यक्तिगत पेशी है उससे रोक मिल सके। जी अनुराग, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसा हमने अपने दर्शकों को भी बताया कि यंग इंडिया कंपनी बनी और एजेएल से बातचीत की बात शुरू हुई, 90 करोड़ रुपए का कर्ज था, कांग्रेस ने कर्ज दे दिया, मोतीलाल वोरा एजेएल के उस समय डायरेक्टर थे और उन्हीं को फैसला करना था और वो यंग इंडिया में भी शेयर होल्डर थे, तो कुल मिलाकर एक जो कहावत कही जाती है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का, लेकिन हकीकत यह है कि ये सारी करेंसी भारत सरकार की है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को बुना गया होगा तो ऐसा नहीं लगता कि कागज पर कोई लूप होल छोड़ा होगा, तो ऐसे में सवाल यह बनता है कि आप ऐसा काम कर सकते हैं इस तरह की नीयत के साथ या नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला कानूनी जितना है उतना ही नियत को लेकर भी है, तो कांग्रेस की ये दलील की ये राजनीतिक भावना से प्रेरित है, कितनी दम नजर आती है इस बात में। देखिए, कांग्रेस के पास सबसे बड़ा तर्क यह है जो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि इस मामले में कोई ऐसा पीड़ित नहीं है जिसको नुकसान हुआ हो, जिसके साथ 420 की जो धाराएं इसमें लगाई गई हैं, अमानत में खयानत की बात कही जा रही है, तो कम से कम ऐसा केस मजबूत उस स्थिति में होता है जबकि कोई इसका शिकार हो। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी जो एक याचिकाकर्ता है, वो बीजेपी के बिल्कुल एक चेहरा है और उन्हीं की वजह से गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट में पक्ष भी रखने जा रहे हैं कांग्रेस के बड़े जो वकील हैं, और उनका कहना है कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी इसके सीधे शिकार न हुए तो उनको शिकायत करने का हक क्या है। इसके अलावा उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यंग इंडिया जो कंपनी है, धारा 25 का जो अधिनियम है उसके तहत जितने भी नियम कानून है सभी को फॉलो किया गया है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो गड़बड़ी नहीं हुई है तो किस बात का केस और किस बात की व्यक्तिगत पेशी? तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जो सम्मन जो जारी हुआ है व्यक्तिगत पेशी के लिए वो पूरी तरह से गलत है और इसका इसको वो सुप्रीम कोर्ट में इसको जी, बहुत शुक्रिया अनुराग इन जानकारियों के लिए। दिल्ली में जहां नेशनल हेराल्ड को लेकर बवाल मचा है, वहीं इन सबसे दूर राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर निकल गए। राहुल गांधी आज पुडुचेरी और तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राहुल गांधी पहले पुडुचेरी जाएंगे, वहां प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, राहत सामग्री बांटेंगे, इसके बाद तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे। राहुल बाढ़ से बने हालात का जायजा लेंगे और फिर वापस आकर पुडुचेरी के लिए रवाना होंगे। पुडुचेरी से राहुल दिल्ली वापस लौटेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे खौफ में एक पूरा गांव है। लोगों की रक्षा के लिए तैनात पुलिस जब लोगों की जान की आफत बन जाए तो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। खबर यूपी के शाहजहांपुर से, जहां लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं, पुलिस का खौफ भी ऐसा।
कि गांव वाले सर्द रातों में अपने घर छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ गन्ने के खेतों में रात गुजार रहे हैं। हालत यह है कि सर्द रातों के बीच गन्नों के खेतों में रात गुजारने की वजह से बच्चे और महिलाएं बीमार पड़ रहे हैं। वहीं पुलिस के अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। आपको बता दें कि मदनापुर के महियावर गांव में दूसरे चरण के प्रधानी चुनाव के दौरान रामचंद्र यादव नाम के दरोगा ने एक युवक की पिटाई की, जिसके बाद गांव वालों की दरोगा के साथ हाथापाई हुई। दरोगा के साथ हुए इस विवाद के बाद करीब एक दर्जन पुलिस वालों ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों के घर में तोड़फोड़ की और मामले पर रिपोर्ट दर्ज करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस लगातार उन्हें धमकी दे रही है कि वो इस गांव में किसी को रहने नहीं देंगे, जिससे घबराए लोगों ने अब सीएम अखिलेश यादव से मदद की गुहार लगाई है।